नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी शिवसेना के तनातनी के बीच मातोश्री जाकर उद्धव से मिले राज ठाकरे। नगर पालिका चुनाव को लेकर हुई बातचीत। अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर चुकी है बीजेपी और शिवसेना। बीजेपी के विरोध को बीएसपी ने किया दरकिनार। पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कद बढ़ा। मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की मिली जिम्मेवारी। दया शंकर कर सकते हैं सरेंडर। टीवी अखबार के साथ सोशल मीडिया की दुनिया से दूर होंगे केजरीवाल। अगले महीने 10 दिन के विपक्षीणा सत्र में होंगे शामिल। दिल्ली सरकार का जिम्मा संभालेंगे डिप्टी सीएम सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को नहीं दी राहत। फिर से जाएंगे जेल, 6 दिन की बाकी सजा काटेंगे। 5 करोड़ का कर्ज ना चुकाने का है आरोप। और 10 लाख बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर। पूरे देश में बुनियादी बैंक सेवा प्रभावित होने का दावा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा और सरकार की नीतियों के खिलाफ है हड़ताल। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में चल रही खटास के बीच शुक्रवार सुबह राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने चचेरे भाई व शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मिलने बांद्रा स्थित उनके घर मातोश्री पहुंचे। दोनों के बीच ये मुलाकात 90 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर भी बात हुई। बीजेपी और शिवसेना हालांकि करीब 2 दशक से सहयोगी रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार और यहां तक कि केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार के साथ भी शिवसेना की आए दिन तनातनी देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से तो दोनों दलों के बीच एक तरह के शीत युद्ध की ही स्थिति देखने को मिल रही है। बीएसपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग को दरकिनार करते हुए पार्टी ने उनका कद और बढ़ा दिया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अब उन्हें पूरे राज्य के मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी नई जिम्मेदारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तराखंड के प्रभारी बने रहेंगे। गौरतलब है कि दया शंकर सिंह प्रकरण में बीजेपी ने सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन चला रखा है। उधर बीजेपी से निष्कासित हुए नेता दया शंकर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी खारिज होने के बाद वे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी तेज कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले महीने 10 दिन का अवकाश लेकर विपासना के लिए नागपुर जाएंगे। अध्यात्म की इस प्राचीन पद्धति के लिए केजरीवाल 30 जुलाई को नागपुर के अध्यात्म केंद्र में दाखिला लेंगे, जहां वह किसी तरह के अखबार, टीवी या मीडिया के संपर्क में नहीं रहेंगे। इस दौरान सरकार का कामकाज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभालेंगे। गौरतलब है कि 2014 में लोकसभा चुनाव अभियान के वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने इस सत्र में भाग लिया था। इसके एक साल बाद आप ने फरवरी 2015 में भारी वोटों से दिल्ली चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच खींचतान का खेल जारी है। वैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विपश्यना में काफी रुचि है और ऐसा भी कहा जाता रहा है कि वे राजनीति से रिटायर होने के बाद अपना जीवन विपश्यना को समर्पित करना चाहते हैं। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर केंद्र सरकार की जनविरोधी सुधार नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सीएच वेंकट चलम ने चेन्नई में बताया कि हड़ताल को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसे पूरे देश में बुनियादी बैंक सेवाएं प्रभावित होंगी। वेंकट चलम ने कहा कि सरकार के साथ मांगों को लेकर वार्ता विफल होने के कारण बैंक कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने इस हड़ताल से लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने सभी खाता धारकों से अपील करते हुए कहा, हमारी मांगे वेतन बढ़ोतरी को लेकर नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा और सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने राजपाल यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें 6 दिन के लिए जेल जाना होगा। मामला कर्ज ना चुकाने का है। फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 2010 में 5 करोड़ रुपए लिए थे।
कर्ज ना चुकाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे केस में वे कई बार झूठे वादे कर चुके हैं। राज्यपाल यादव ने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में 4 दिन काटे थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने दिसंबर 2013 में एक न्यायाधीश की दी गई सजा बरकरार रखी और कहा कि प्रक्रिया का पालन करने में यादव की नाकामी को स्वीकारा नहीं जा सकता। अब तक हंगामेदार रहे मॉनसून सत्र में शुक्रवार को भी शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई। राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी पर सदन में अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस पर हंगामा शुरू हुआ और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऊपरी सदन में शुक्रवार को कश्मीर हिंसा के मुद्दे को भी उठाया गया। कांग्रेस ने नकवी पर आरोप लगाए तो बाकी विपक्षी दल भी समर्थन में उतर आए। इसके बाद सदन में शोर बढ़ गया। इंडोनेशिया में ड्रग्स तस्करी के आरोप में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह को बचाने की भारत सरकार की कोशिशों को गहरा झटका लगा है। इंडोनेशिया सरकार ने परिजनों, मानवाधिकार समर्थकों और विदेशी सरकारों की माफी की सभी अपील ठुकरा दी है। गुरदीप समेत 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि गुरुवार को इनमें से 4 को मौत की सजा दे दी गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरदीप की पत्नी से फोन पर बात की है। घर में मातम का माहौल है, लेकिन पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को अब भी आशा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मौत की सजा की व्यवस्था टल जाएगी। जालंधर के रहने वाले 48 साल के गुरदीप को 300 ग्राम हीरोइन के साथ 2004 में गिरफ्तार किया गया था। पाक अधिकृत कश्मीर चुनाव में हुई धांधली से नाराज लोग आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ नीलम वैली में आज चुनावी पोस्टर्स पर कालिक पोती गई और पाकिस्तानी झंडे जलाए गए। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसमें लोगों को चोटें आई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा वर्षों से POK और बलूचिस्तान में होता आ रहा है। चुनाव के बाद 21 जुलाई को मीरपुर में 3 शव और 25 तारीख को मुजफ्फरबाद से 2 शव मिले। इन शवों पर गोलियों के निशान हैं। शव के पास से जो गोलियां मिली है वे पाकिस्तानी सेना की है। लोगों का आरोप है कि चुनावों में धांधली की गई और जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई उनको मौत के घाट उतार दिया गया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।